साथियों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। हरियाणा में चुनावों की घोषणा 16 अगस्त को होती है और आज 25 अगस्त है। 9 दिन के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को याद आता है और वो चुनाव आयोग को लिखते हैं कि हरियाणा के चुनावों को स्थगित कर देना चाहिए। कारण बता रहे हैं उसमें, पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भाजपा को भारी जो है विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कौन कर रहा है भारी विरोध भाजपा का? हरियाणा की धरती पर बेरोजगार युवा, किसान जिन्हें हक अधिकार नहीं मिला लेकिन ट्रैक्टर के नीचे उन्हें कुचला गया, बेटियां विनेश फोगाट हो या हमारी साक्षी मलिक जैसी बेटियां हरियाणा की धरती पर न्याय मांग रही हैं। अग्निपथ भर्ती योजना में सेना में जिन्हें जाना था उनके साथ अन्याय हुआ कि 4 साल के ठेके की नौकरी थोपकर पक्की भर्ती सेना में खत्म कर दी गई। ये सारे कारण है जिसके कारण भाजपा जो है 10 साल से डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन कुशासन तानाशाहियों से हर वर्ग आपसे परेशान है और आपसे मुक्ति चाहता है और आपके पास उम्मीदवार नहीं है। भारी विरोध हो रहा है, आपके लोग पार्टी छोड़ छोड़ कर हार को सामने देखते हुए दूसरे दलों में जाने के प्रयास में है और कुछ लोग शामिल भी हो चुके हैं और भाजपा हाथ पैर मार रही है कि किसी तरह भी अपने 90 उम्मीदवार खड़े करने के लिए तैयार कर सके। सूची तैयार नहीं हो रही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से आज 10 दिन हो गए। भारी रोष है, एंटी इनकम्बेंसी है और चुनाव पूरी तरह से हरियाणा में भाजपा हारने जा रही है और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार सिर्फ हरियाणा के किसानों के दम पर। आधी हमारी बेटी माँ बहनें जो हमारी कहीं सुरक्षा और महंगाई के मुद्दे से परेशान है उनके दम पर, बेरोजगार युवाओं के दम पर और सेना में जाने का सपना देखने वाले हमारे युवाओं के दम पर हरियाणा में बनने जा रही है। 1 अक्टूबर को वोट होगा, 4 अक्टूबर को गिनती होगी और पूर्ण बहुमत की स्थिर ईमानदार सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनने जा रही है। भाजपा के बहुत से नेता अभी भी कहने लग गए हैं, पहले तो चुनाव से भाग रहे हैं कि चुनाव स्थगित कर दिया जाए, फिर कहते हैं कि अगर इनकी सरकार बन भी गई तो दिल्ली में बैठी हमारी सरकार मोदी जी सरकार को 5 साल चलने नहीं देंगे। तो आप समझ रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करना, सत्ता धन और बल के दम पर जो है सत्ता हासिल करने का खेल इनका पुराना है, लेकिन इस बार हरियाणा के लोग और देश के लोग इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हरियाणा तैयार है, कांग्रेस तैयार बैठी है। जय हिंद, जय भारत।